पता था कि यहाँ पे भी उतने बदतमीज होंगे, पर वो सच में निकला। मैं कैमरा उठाने गया, मेरे सामने ही गिरा, तेरी मैं कर लाओ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग है जी, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। हमें पहली सुबह नन्ने, पहली सुबह 8:30 बजे हमारी बच्चे के साथ क्या क्या चैलेंज आते हैं हमें किसी ने नहीं बताया, सबको माता रानी को आप लगाए। नहीं लगा। हम डिनर करने गए थे कल रात को, बहुत ही बढ़िया था। मेरा दिल किया कि मैं बहुत दिखाऊँ आपको। मैंने बोला 3-4 दिन तो हैं ही और फिर कभी दिखा देंगे, बट मेरा इतनी एक्सपेक्टेशंस थी नहीं जितना इन्होंने कमाल कर दिया। ये जितना भी है ना, ये इतना सुंदर लगता है ना ये सब रात को। ये दिन में अलग ब्यूटी है, मतलब दिन में अलग ब्यूटी है। हमने तो दिन और रात दोनों की देखी है। तो हमारा जस्ट रूम दिन में ही पता लगती है कि क्या खूबसूरत है। वो तो है। हाँ, ये रही हमारी बालकनी। हाँ। बालकनी टाइप क्या, बालकनी सिटिंग एरिया है एक तरह का। बस हमारे सिटिंग एरिया से ही वो नहीं है जाने का रास्ता, बाकी सबसे है। और कोई ऐसी कोई हैरानी की बात नहीं है हमारे लिए, तो भगवान ने सबसे अलग कुछ सोच के हमारे लिए सबसे अलग चीज़ होती है, निराली चीज़। और सीधा वहाँ से निकल के और ये पूल है जितना। नो डाइविंग मतलब कूदा कादी मत करो, तो डॉल्फिन बन जाते हैं ना पानी देखते ही, तो वो मत करो कि पता लगा। अरे ब्रेकफास्ट करने के लिए फटाफट से करेंगे ब्रेकफास्ट, और फिर ब्रेकफास्ट के लिए दिखाता हूँ क्या 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 है। और डिनर में भी काफ़ी अच्छा था, आई मीन जो आप एक 5-स्टार से कर सकते हैं एक्सपेक्ट, मतलब कहीं पे आपने अगर किया होगा लंच और डिनर थोड़ा बहुत, तो हाँ उस लेवल का तो था ही। आई वॉज वंडरिंग कि अंदर बैठे रहो ना तो एसी होता है कि लगता है कि बाहर बहुत ठंडी होगी। बाहर आके तो अंदर से देखता रहता हूँ, यार इतनी ठंड में कैसे नहा रहे हैं ये लोग। बट बाहर जब ह्यूमिड और ये गर्मी देखो तब पता लगता है कि हाँ स्विमिंग कर सकते हैं बाहर जाके। अभी फिर एसी से बाहर आए हैं तो अभी लग रहा है कि यार रहा कर सकते हैं स्विमिंग अच्छे से। बात है कि करेंगे 10 बजे तक रहता है, सुबह 6:30 बजे से लेके 10 बजे तक, 10 के 10:30 10:30 कंफर्म कर लेते हैं। ओके हाँ 6:30 बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, मतलब 6:30 मैं उठा भी, पर मैं सोचा कि पहले आपका हेल्दी इंसान उठता है कि चलो जिम चलते हैं, फिर मैंने बोला कि फिर मेरे वो अनहेल्दी इंसान ने उसको बोला तुम्हें पता नहीं है जिम कहाँ पे है, तू सो जा, फिर मैं सो गया अपनी बात सुन के। फिर उसके बाद आज पूछेंगे कि जिम कहाँ पे है, उसके बाद देखा जाएगा। ऊपर चढ़ने के लिए पता नहीं है कि बच्चे के साथ बच्चे के साथ लिफ्ट दो हैं, थोड़े से भी लिफ्ट देते हैं, कुछ ज्यादा नहीं, आपके माँ बच्चे के थोड़े नखरे पड़ रहे। और ये हमारा बच्चा रेडी है खाने के लिए। बच्चा जी आप रेडी हैं? समझप कर दो, नहीं करना, चलो ठीक है। यहाँ पे एक अच्छी बात है कि आप बेबी फूड दे सकते हैं इनको बनाने के लिए, जैसे हम रागी लेके आए थे घर से, रागी हमें अलग अलग चीज़ें लेके आए, तो शेफ़ को दे देते हैं कैसे बनाना है, तो वो भी समझ लेते हैं कैसे बनाना है, तो अच्छे से दे देते हैं वो। ओट्स ले लो, जैसे रोस्टेड ओट्स ले आओ पाउडर करके, दाल और राइस का मिक्स ले आओ, एंड वो आपको कुक करके दे देंगे, बता दो कितना बताना है, तो डिब्बी में डाल के साइड पे रख लेते हैं इसका। तो ये इनकी अच्छी बात है, अच्छी बात है, ब्रेकफास्ट बन रहा है, ब्रेकफास्ट खाएगा। लाओ जी, बहुत ही बड़े अंतराल के बाद खाना पीना हुआ हमारा ख़त्म। इसने रागी खाई है मेरे छोटे बच्चे ने, और हमने बहुत सारा खाना खाया भाई, खाना बहुत सा नहीं एक्चुअली ना, कभी कभार होता है कि ऑप्शंस बड़ी होती है, खाने वाली बड़ी कम होती हैं, और या तो टेस्टी नहीं होती। यहाँ पे ऑप्शंस भी अच्छी थी, मतलब ब्रेकफास्ट टाइप ब्रेकफास्ट, तो कभी कभार इंग्लिश ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। एक तो ऊपर से ठहरे हम वेजिटेरियन हैं, वैसे आधी चीज़ें कम हो जाती हैं, हमारे पास तो अंडा भी निकल जाता है, तो हमारा तो अंडा मुर्गी वाला खेल भी नहीं रहा, वो भी नॉन वेज ही है, तो
मुर्गी नहीं खाते। हाँ मुर्गी खा लेते हैं, अंडा नहीं खाते। एक बार हमारे ऑफिस में बहुत मजाक उड़ाया था क्या? किसी लड़की का, वो कहती मैं अंडा खा लेती हूँ पर मैं मुर्गा मतलब चिकन नहीं खाती। तो किसी ने बोला हाँ ये बच्चा खा लेती है, बच्चा खा लेती। मतलब बहुत फनी। ओलीज क्लब, अच्छा यहाँ पे, अच्छा यहाँ जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे। हाँ वहाँ पे जाके आएंगे। अभी खाना पीना खा के आए तो बच गए 10:30 बजे, ब्रेकफास्ट इनका ख़त्म हो जाता, आई थिंक बंद कर देते, वो रीफिल नहीं करते फिर उसके बाद। तो मौसम अभी ठीक है, बादले हो रही हैं, बट स्टिल वो थोड़ी गर्मी सी है हवा सर। ह्यूमिड तो बहुत है, ह्यूमिडिटी तो आपको लगी रही होगी, जो मेरे माथे पे हल्की हल्की मोतियों जैसी शिकन है और ये ग्लो कर तो, रहे हैं। और बहुत ज़्यादा ग्लो करने वाला है कोई भाई, मेरा नेचर स्पा करती है, क्या करें, है ही अपने में पसीने वाली बातें, हम क्या कर सकते हैं। बेटी की भी हाल है, बेटी की भी, हाँ इसको भी थोड़ी ज़्यादा गर्मी लगी जाती है, वैसे है तो लगेगी। और नज़ारा मैं वैसे भी आपको दिखा दूँगा। आय हो, अरे वाह बटरफ्लाई, अभी हमारे व्यूअर्स के लिए बटरफ्लाई आके गई है। और ये पीछे का नज़ारा आप थोड़ा सा देख सकते हैं, और वो पीछे देख रहे हैं आप बीच, हाँ वो इनका प्राइवेट बीच है, अब ये मेंटेन करते हैं, प्राइवेट है, बोला तो है उन्होंने कि प्राइवेट है, सो प्राइवेट ही होगा मान लेते हैं। तो यहाँ से हार्डली आई थिंक 100 मीटर्स, हाँ इतना ही है, हाँ नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है, हमारे जगह ही नहीं बनाई वॉशरूम, क्या होगा। तो पेड़ आ गया उसके आगे, तो उन्होंने प्रेफर किया कि पेड़ ना काटा जाए, चलो ये भी अच्छी बात है, बाद में हमें पता लगता तो हमें बहुत अफसोस लगता। आप भी दिन में स्विम हमारे आ जाना। स्विम कर लेंगे, स्विम ही स्विम है, हाँ वो जब थोड़ा खाना ना, अब तो खाना फुल हो गया। हाँ वेदु भी आएगी, वेदु भी आ जाएगी। चलो अब चलते हैं, थोड़ा देख के आते हैं समुंदर का हाल चाल कैसा है, पानी वानी अच्छे से उसने मेंटेन किया है कि नहीं, खाली वाली तो नहीं हो गया। हाँ कुछ एक्टिविटी तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बंद रहता है, अक्टूबर से लेके अप्रैल तक है कुछ की इनकी ओपन रहती है। गवर्नमेंट लोगों ने बोला है कि मत जाओ भाई साहब, बह बहा जाओगे फिर बाद में हमें ब्लेम दोगे। चलो हाँ पता लगा, बिना टिकट लिए मालदीव पहुँच गए आप लोग। हाँ चाबी तो मेरे पास ही है, चलो अभी जाते हैं, थोड़ा अंदर सामान वामान इकट्ठा करके फिर निकलते हैं बाहर को। चलो चल गए हम रूम से अपने बाहर। और एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बताता हूँ आपको मैं, ये ड्रॉपलेट्स देखते हैं, ये आपको लग रहा होगा शायद कोई पानी फेंक गया यहाँ पर, ये सारा ह्यूमिडिटी है, मतलब पता नहीं कोने कोने में रहती है, इधर उधर नहीं है। एंड चलिए लेट्स गो, 20 में चलते हैं, अभी चलते हैं चल चल के बीच की तरफ। और कुछ 100-150 मीटर बोला गया है, पता नहीं कितना, मुझे तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, शायद ज़्यादा नहीं होगा, लोग आ रहे हैं आगे से, बट तब तक आप ब्यूटी इन्जॉय करिए आसपास वाली, ठीक है, लो करो मज़े। गमलों में पौधे लगाने वालों, आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाऊं, ये लो रबर प्लांट, 150 वाला छोटा और 250 वाला बड़ा लाने वाले। रबर प्लांट का पेड़ देख लो पीछे, ऐसा दिखता हुआ, ठीक है, बाद में मत बोलना कि मैंने एक अलग अतरंगी चीज़ नहीं दिखाई। कुछ लोगों ने देखा भी होगा पर मैंने कभी नहीं देखा था, मैंने गमले में देखा था वो 5 पत्ते नर्सरी से लाते हुए और 6 पत्ते झड़ते हुए। सो सारे इधर से ही है, बट प्रैम का भी बाबू चक्कर होता कि वहाँ पे कैसे आप ले पाते हैं, क्यों इसको बीच पे फंस जाना था वहाँ पे, फिर अभी यहाँ पे थोड़ा ये है ना, मैंने लगाया यहाँ पे बिठा दो इसको, जहाँ पे बैठ नहीं रही है हर डाल पे, बेबी कैरियर में नहीं बैठ। Thank you.
लीजिए दिल थाम के बैठ जाइए मेरे दोस्तों। अरे वाह 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 वाह। और ये भारतीय जल मछले पानी में नमकीन होते हुए। दीदी ने बड़ी कॉन्फिडेंस से बोला था वाइट सैंड है, वाइट बट है तो थोड़ी थोड़ी ना मिक्स होके साफ है। और ये थोड़ा मज़ा है ना ये प्राइवेट बीच का, यहाँ पे इतना कोई हौच पौच नहीं है। दूर दूर तक आप अगर देखेंगे कोई ना मित्रों पैन लपे मी बारिश और बीच में ये धूप, सब कुछ बीच में कॉकटेल था बना हुआ, समझ में नहीं आ रहा बारिश की खुशी मनाए कि धूप का गम। धूप नहीं है एक्चुअली, तपिश टाइप है, थोड़ी तपिश 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 बिछा के ना उस पर बैग रख देती हूँ, क्योंकि बैग बड़ा हैवी है, इसको भी उठाया तो कहाँ पे क्योंकि इसमें है वॉलेट बैग में, यहाँ पे रख दो ना। अरे आगे एक तो चश्मे भूल गए पहले, फिर भूल गए टोपियाँ। अफसोस नहीं है क्योंकि सामने ही है, कहीं दूर आए होते तो फिर बहुत ज़्यादा अफसोस हो जाता। हाँ कौन सा भाई? कोई गल नहीं कोई गल नहीं कोई गल नहीं कोई गल नहीं, बैग पकड़ लेंगे, टेंशन ही कोई नहीं। कैमरा तो चलो खैर है ही यहीं पर है, गर्मी मेरे मुंह से पता लग रही होगी। धूप नहीं है, ह्यूमिडिटी बहुत है, पर ह्यूमिडिटी तो होगी होगी, अब क्या उसकी शिकायत करनी। बट हाँ गर्मी बढ़ी है, निकल रही है। हाँ बीच बीच में धूप निकल रही है मज़ा ख़राब करने के लिए। बट हाँ चेयर तो ऐसे रखी हुई थी उन्होंने, अच्छा था, सिक्योरिटी सा है ना, बढ़िया था, लोग नहीं है। हाँ वो सबसे ज़्यादा बढ़िया, तो काफ़ी अच्छे से मेनटेन करके रखा था। पानी दूर से लगता है कि बड़ा मडी और ये सब होगा, जस्ट बिकॉज कि वो सैंड ब्राउन है तो उसके वजह से लगता है। तो मोमेंट अगर आप जाओगे आगे, बड़ा क्रिस्टल क्लियर पानी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना साफ पानी होगा। कि द मोमेंट आप मालदीव्स या लक्षद्वीप वाले वो देख लो, वाइट सैंड और उसके नीला पानी, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि और कोई आपको इम्प्रेस कर पाएगा कभी। और एक जान बचाने वाली टिप, ये नारियल के पेड़ है, इनसे जितना दूर चल सकते हैं चल लो, ठीक है, अपनी किस्मत मत मानो। वहाँ हाँ नहीं हमारे नहीं लगा, खुशी मत मनाओ इतनी कि हमारे नहीं लगा किसी के। तो एक्चुअली हमने नीचे उसके वहाँ टाल देते हैं ना, कि अगर आपने कुछ रखना हो तो उसके ऊपर रख लो, तो मैंने इसके नीचे रख दिया था। तो वो बंदा भाग के आया तो बोलता है छाँव आगे या आगे रख लो, चलो मैं ठीक है छाँव में रख लेते हैं। तो फिर मैं ऊपर देखा नारियल थे, मगर चल कहाँ गिरते होंगे, नहीं उसने यही बोला था नारियल लगे ऊपर पटक के। अच्छा मैं वो नहीं सुना मैंने, उसने वो छाँव में गया, चलो छाँव वाली बात तो ठीक होगी। नहीं गिरते हैं नारियल, पर मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे भी उतने बदतमीज होंगे, पर वो सच में निकला। मैं कैमरा उठाने गया, मेरे सामने गिरो तेरी मैं कर लाओ, या तो सिर जाता या तो मेरे दोनों कैमरे जाते, ब्लॉग होता फिर फ़ोन से और क्या, अगर बचता तो। तो इसीलिए नारियल के पेड़ों से थोड़ा बच के इधर उधर को हो गए चलो। तो ये जान बचाने की टिप, इसके लिए धन्यवाद मैं ले लेता हूँ आपका। और बहुत ही सुंदर रिजॉर्ट, इसकी खूबसूरती किसी ने भी कैप्चर नहीं की हुई थी, मैंने यूट्यूब की इतनी वीडियोस देखी, मैंने बुक किया था तो मुझे लग रहा था कि अरे यार मैं शायद और कर लेता, बट ये वैसी याद दिला रहा है जैसे सन आइलैंड।
मालदीव्स था, और वहाँ से सीधे चलते चलते ये रहा हमारा रूम का एरिया। इससे मज़ेदार बात क्या होगी, सीधा बीच से चले और आप अपने हाँ, और आते ही रूम बेचारा क्लियर कर दिया है। और हमारे वेदू का मंकी मैन किंग कॉन्ग, और ये हमारा किंग कॉन्ग अंदर से रोता हुआ क्रिब, इतना बोल बोल के बेचारों से मैंने क्रिब लिया मैं सुला रही तो, पर ये बच्चा क्रिब में बैठता नहीं है। हाँ बैठे भी क्यों बेचारी, वो वेकेशन पे आएगी बोलती क्रिब में क्यों बैठना। ओहो हो भाई साहब, जिंदगी का मजा तो थोड़ा इसी में है, नेचर कॉलिंग ये वो करते हैं ना। ये नहीं बताया किसी ने कि नेचर में बहुत ज़्यादा धूप भी होती है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी होती है। जो बेटी की बेचारी का बर्थडे एक दिन आया था, वो कल शाम को हो गया था लेट, और वेदू भी सोने के इंतज़ार में थी, तो फिर वेदू ने बोला कि कल लेके आना, मतलब कि हमने बोल दिया उसको। तो ये बेचारे पीछे से फिर से एक एफर्ट डाल गए हैं, और ये बैलून तंग बड़े करते हैं, ये फिर फटते रहेंगे, पैरों में आते रहेंगे। ये डेकोरेशन अभी मैं इनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, फिर मैं गालियाँ निकालता रहूँगा। और ये उठाइए पर्दा, इनसे क्या देंगे हम भाई साहब, ठीक ही होगा। थैंक यू बोलो। Thank you. Happy birthday to you. Wow, chocolate cake. Happy birthday. Papa, नहीं है चलो। पूरा गाना है। Happy birthday, Vedu. बच्चे भी ना बहुत जिद करते हैं, क्या करें। अच्छा दूसरा भी पापा है। गला सा टेस्ट करना है? नहीं नहीं नहीं। दूसरा वहमी इसके पापा है। मैं तो पूरी जिंदगी टेस्ट करना है ये सब। मैं भी टेस्ट करूंगी। चलो मम्मा खाएं। अभी पापा खाए दे दो। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। मैडम अपना ये ब्लॉग वाला साजुस्मान ये पे छोड़ गया, मैं कहा अब तो क्या ही स्पैम डालना इधर उधर को, तो इसके खाने के लिए गए थे तो शेफ से करवाने के लिए, तो बेबी उस बंदे ने डिग्रियां ली सब करके बेबी फूड बनवा रहे हैं उससे। खिचड़ी गोल, वो बेचारा इतना बड़ा हेड जब वहां पे खिचड़ी गोलने लगा हुआ है उसके बेचारे का, हाँ दो चमचे लेके कंसिस्टेंसी नाप रहा है वो, उसी में बेचारे की पसीने छुड़वा दिए हमने। पतली नहीं होनी चाहिए, मोटी भी नहीं होनी चाहिए, छोटी भी नहीं होनी चाहिए, कितना थिक चाहिए। ये दूसरा दिन है हम उसको कितना थिक है हम वो आज ढूंढ रहे हैं कि थिकनेस के क्या नाम क्या होते हैं अलग अलग विस्कोसिटी के हिसाब से, जो अपने को पता है रनी होना चाहिए या फिर होना चाहिए थिक, उसके बीच का पता नहीं, उसके बीच का चाहिए होता है हमें, तो उसको फिर कन्फ्यूज कर करके फिर वो खाते हैं बनाता है, बट बना देता है किसी तरह।